मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी ने झूठ बोलकर वैक्सीन पर लोगों में भ्रम फैलाया। राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वैक्सीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं लगवा रहे तो क्या राहुल गांधी लगवा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी को शर्म करनी चाहिए कि उन्होंने देश में वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया, जिसके चलते कई लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में सभी को फ्री वैक्सीन लगवा रहे हैं, वे लोगों में वैक्सीन को लेकर फैलाए भ्रम को भी दूर कर रहे हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने वैक्सीन को लेकर जनता के बीच भ्रम फैलाया, झूठ बोला, अपने कई लोगों की जिंदगी को खतरे में डाला। पीएम मोदी ने बैतूल जिले के डोलारिया गांव में ग्रामीणों को समझाया, जिसके बाद लोगों ने वैक्सीन लगवाई, लेकिन राहुल गांधी झूठ बोलकर लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। राहुल बाबा शर्म करो, वैक्सीन प्रधानमंत्री जी नहीं तो क्या आप लगवा रहे हैं? प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश के सभी नागरिकों को, जनता को मुफ्त में वैक्सीन लगवा रहे हैं और आप केवल भ्रम फैला रहे हो। आपने भ्रम फैलाया, झूठ बोला, इसके कारण कई लोगों ने वैक्सीन लगवाने से इनकार किया। आपने भ्रम फैला के उनकी जिंदगी खतरे में डाली, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आज बैतूल जिले के डोलारिया गांव में ग्रामवासियों से बात की जो भ्रम के कारण वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, समझाया सरल शब्दों में, और वहां गांव वालों ने वैक्सीन लगवाना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री भ्रम के बादल दूर भी करते हैं, समझाते भी हैं, वैक्सीन भी लगवा रहे हैं, और आप झूठ बोल के भ्रम फैला के लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं, संकट में डाल रहे हैं। धिक्कार है आपको। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।